है। तो अगर आप अपना डेटा सेव करना चाहते हैं तो आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है। इस सेटिंग पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो कॉल में देख रहे हैं कि 15.37 GB डेटा यानी कि 50.37 GB डेटा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर टेक्निकल ऑफिस के इस वीडियो में। फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका 1 GB डेटा पूरे एक दिन चलेगा। जी हाँ फ्रेंड, कैसे चलेगा आज के वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा उसका एनालिसिस करके दिखा देंगे। आपका 1 GB डेटा एक दिन यानी कि पूरे दिन कैसे चलेगा, इस वीडियो में हम उसका एक एक चीज को डिकोड करके दिखाएंगे। फ्रेंड उस चीज को डिकोड करने के लिए हमको इस व्हाइट बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए फ्रेंड हम आपको इस वीडियो में कुछ एनालिसिस करके दिखाएंगे। सबसे पहले बता दें कि अगर आप अपना 1 GB डेटा एक दिन यानी कि पूरा एक दिन यूज करना चाहते हैं तो हम आपको 2 स्टेप बताएंगे, फिर आप कभी नहीं YouTube पर, Google पर या कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया पे ये सर्च कीजिएगा कि 1 GB डेटा एक दिन कैसे चलाएं। तो फ्रेंड 2 स्टेप बताएंगे आपको, वही दोनों स्टेप फॉलो करने होंगे और वो कौन कौन स्टेप है आप सामने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे मेरा पहला अपडेट हो गया फ्रेंड कि डाटा यूजेज, ठीक है फ्रेंड, डाटा यूज आपका कहाँ हो रहा है आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है। और दूसरा अपडेट है फ्रेंड कि आपका जो एप्लीकेशन अपडेट होता है, ऐप अपडेट, आप उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है। तो फ्रेंड ये 2 सेटिंग आपको फॉलो करने होंगे, पहला हो गया डाटा यूजेज और दूसरा हो गया ऐप अपडेट। तो अगर आप इस दोनों स्टेप को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका 1 GB डेटा एक दिन बहुत आसानी से चलेगा। तो चलिए फ्रेंड लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और यहां से आपके फोन में सब्सक्राइब का एक रेड बटन दिख रहा होगा फ्रेंड, इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और यहां से बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो यहां से एक कमेंट जैसे कि गुड और नाइस लिखकर आप हमें यहां से इस ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड हम आपको बताएं कि अगर आप अपने 1 GB डेटा को एक दिन चलाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप था फ्रेंड डाटा यूज। तो डाटा यूज आपको कहां मिलेगा, तो डाटा यूज सेटिंग फ्रेंड सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने सेटिंग का ऑप्शन ओपन कर लेंगे और यहां से आ जाएंगे फ्रेंड डाटा यूज। डाटा यूजेज का सेटिंग होता कहाँ है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड कनेक्शन शेयरिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पर जो कि आप सामने देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डाटा यूजेज का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपके फोन में डाटा किस एप्लीकेशन में कौन से सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो ये बताएगा। तो फ्रेंड आप यहां पर देख रहे हैं कि ये आज का डेटा है यानी कि टुडे लिखा हुआ है, मोबाइल डाटा यूजेज 209 MB जो कि आप ऊपर में सीधा सीधा देख रहे हैं। तो फ्रेंड हमको यहां पर आज का अपडेट नहीं देखना है, हमको देखना है कि मेरा डेटा कैसे बचेगा। तो यहां पर आपको ये जो बटन दिख रहा है फ्रेंड दो ठो ऊपर नीचे एरो, आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है और आपको लास्ट मंथ यहां पर जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहां से आपको दिख रहा है कि फेसबुक, और फेसबुक पर आप सामने देख रहे हैं कि 15.37 GB डेटा यानी कि 50.37 GB डेटा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और यहाँ पर सिस्टम एप्स, यहाँ पर सेकेंड में है सिस्टम एप्स जिस पर 14.14 GB यानी कि 14.14 GB डेटा सिस्टम एप्स में यूज हो रहा है। तो फ्रेंड हम इस दोनों चीज को बताएंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले हम आपसे एक और भी आपको डाटा सेटिंग जो हम आपको बताए थे, दूसरा सिस्टम अपडेट, आपको इस आप जो यहाँ पर सिस्टम ऐप अपडेट देख रहे हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है फ्रेंड, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही फ्रेंड 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक सेटिंग का ऑप्शन नीचे खुल जाएगा। और सेटिंग का ऑप्शन खुलने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑटो अपडेट, ऑटो अपडेट, यहाँ पर ऑटो अपडेट्स पर क्लिक कर देना है। और ऑटो अपडेट्स पर क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 3 अपडेट आ जाएगा, डोंट अपडेट, अपडेट यूजिंग वाईफाई, अपडेट यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा। तो फ्रेंड अगर आप अपना डाटा बचाना चाहते हैं तो आपको अपडेट यूजिंग वाईफाई या डोंट अपडेट पर क्लिक करना है। लेकिन फ्रेंड आप कभी भी क्लिक करके रखिए तो अपडेट यूजिंग वाईफाई पर, क्योंकि आप कहीं भी किसी के भी जियो फाइबर में अगर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन
ऑटोमेटिक अपडेट होना चालू हो जाएगा, जिससे आपका डेटा बच जाएगा। यानी कि आपका डेटा में 1 GB का रिचार्ज है तो वो 1 GB का डेटा आपका आपके डेटा से खत्म नहीं होगा। आप किसी के वाईफाई यूज कीजिएगा तो उससे आपका डेटा पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, अब हमने आपको जैसा कि बताया कि डाटा यूजेज में आ जाते हैं और वहां पर हम आ जाएंगे डाटा यूजेज का ऑप्शन खोलकर, और यहां से हम देखते हैं कि लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा मेरा फेसबुक पर गया हुआ है, मतलब डाटा यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहां से हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और ओपन करते हैं फ्रेंड फेसबुक को। फ्रेंड आप किसी भी एप्लीकेशन पर आपका सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है तो ब्राउजिंग फीचर पर कभी नहीं होता है फ्रेंड, वो कभी भी होता है तो वीडियो वगैरह पर होता है। जैसा कि फेसबुक पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोई भी हम वीडियो को ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक वीडियो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कोई भी एक वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सॉरी एक वीडियो को हम लोग लेते हैं और यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोई भी एक वीडियो यूज है, जैसे कि ये वीडियो है तो हम इस वीडियो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये वीडियो 720p में चल रहा है, 1080p में चल रहा है कि 360p में चल रहा है, आपको क्या पता है। अगर आप फोटो पर देखकर किसी का क्लिक कीजिएगा तो उस पर डेटा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हाई क्वालिटी चल रहा है कि लो क्वालिटी चल रहा है आपको पता ही नहीं है। ये हमने फ्रेंड फेसबुक आपके सामने खोलकर रखा हुआ है। तो अगर आप अपना डेटा सेव करना चाहते हैं तो आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है। इस सेटिंग पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी का एक ऑप्शन है, आपको इस पर ऑटो है तो आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है फ्रेंड, और ऑटो पर क्लिक है तो आपको इसमें चेंज करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। जैसे कि 1080p है तो 1080p पर क्लिक कर दीजिए, 240p है तो 240p पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका मोबाइल में डेटा अनलिमिटेड है तो आप ऑटो पर या 640p पर क्लिक करके चला सकते हैं। मेरे मोबाइल में डेटा 1 GB है तो हम क्या करेंगे कि इसको 180p पर यूज करके चलाएंगे, जिससे 180p पर अगर हम इसको यूज करके चलाते हैं तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो आपका जरा सा डेटा यूज होगा, यानी कि जहां पर 100 MB डेटा यूज होना था वहां पर 10 से 12 MB, 5 से 7 MB में आप पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कम हो जाएगा, आपको तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है। अगर आपके पास अनलिमिटेड डेटा है तो आप क्या कीजिएगा कि 720p में आप इसको चला सकते हैं। वही फ्रेंड वही आप ट्रिक क्या कीजिए कि YouTube में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी का भी YouTube, जैसे कि ये सौरभ जोशी का वीडियो है, हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक कर देते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि बहुत से कम लोगों को पता होता है कि उनका डेटा कौन सा क्वालिटी में चल रहा है। तो अगर आप अपने डेटा बचाना चाहते हैं, 1 GB डेटा पूरे एक दिन यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि हम अपना डेटा हमेशा बचा कर रखते हैं। यहाँ पर क्वालिटी ऑटो और 144p में है, यानी कि 144p में अगर हम इसको यूज करते हैं फ्रेंड, तो मेरा डेटा कभी खत्म नहीं होगा और पूरा का पूरा एक दिन चलेगा। तो फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया इस वीडियो में और लाइव सेटिंग करके दिखाया फ्रेंड, कि अगर आप अपने मोबाइल का डेटा बचाना चाहते हैं तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला हो गया डाटा यूजेज और दूसरा हो गया सिस्टम अपडेटर। तो फ्रेंड एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर देते हैं कि अगर आप अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं तो ये रहा सिस्टम अपडेट। यहाँ पर सिस्टम अपडेट में आप क्लिक करके, आप सिस्टम अपडेट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऊपर में 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है कि इसको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाना है, और यहाँ पर ऑटो अपडेट्स आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको अपडेट यूजिंग वाईफाई कर देना है। चलिए ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। और सेकेंड सेटिंग हो गया फ्रेंड, आपको आ जाना है कनेक्शन शेयरिंग में, और कनेक्शन शेयरिंग में आने के बाद आप डाटा यूजेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जो कि आपको बताता है कि आपका सबसे ज्यादा डेटा कहाँ यूज हो रहा है। तो फ्रेंड आप लास्ट मंथ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा डेटा कहाँ यूज हुआ है, तो आप उस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने आपको दोनों का दोनों सेटिंग बहुत आसानी तरीके से बताया फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद।